मेरा नाम नमनवीर सिंह है, हम पंजाब से आए हैं यहाँ पुष्कर मेले में अपना एक प्रोडक्ट लेकर। आजकल जैसे हमने देखा है ट्रेंड है, लोग घूमने जाते हैं इधर उधर जी, तो होटल वगैरह पे इतना पैसा खर्च करते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जिसमें ये सब प्रोवाइड फैसिलिटीज़ हमको मिले और घूमने जाएं तो वो अपने साथ ही हो, साथ हो जी। और इसलिए हम इंडिया में अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं कैंपिंग ट्रेलर। अच्छा, इसका नाम आपने जो है कैंपिंग ट्रेलर रखा है। तो सर जी, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या इसकी विशेषता हैं? हम वो बिल्कुल बताते हैं आपको। इसमें आपको पहले मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें सोने का, इसमें दो लोग आराम से सो सकते हैं जी। और बीच में इसका म्यूजिक सिस्टम का सारा सिस्टम है इसमें, इसमें बीच में फ़ैन भी लगा हुआ है। ये जो फ़ैन है इसकी एक खासियत है कि इसमें रेन सेंसर्स लगे हुए हैं, रात को कभी आप बाहर सो रहे हो बारिश आ जाए तो ये ऑटोमेटिक जो है इसको बंद कर देता है, हमें अच्छा परेशान होने की दिक्कत नहीं है। वो जो ऊपर रूफ लगा हुआ है वो खुद बंद हो जाता है। और इसमें पीछे बोतल स्टैंड वगैरह सारा कुछ है, लाइटें वगैरह सब फिटिंग इसमें हो रखी है। और ऊपर इसके हमने एक वाटर टैंक दिया है, इसमें आप इसको निकाल के अगर आपने बाहर कहीं नहाना है, हाथ मुंह धोना है कुछ भी, तो आपको इसमें वो भी आप इजीली कर सकते हो। अच्छा हाँ जी, तो अगर जैसे वाटर टैंक है, जो वाटर टैंक की कैपेसिटी है वो क्या है, कितना पानी उसमें आता है? कितना है एहसान अपना वाटर टैंक की कैपेसिटी ने? 200 लीटर। अच्छा 200 लीटर। हाँ जी। और ये पर्दा है जो आप मतलब आराम से आप लगा के बाहर, वैसे तो आपको पता ही आउटसाइड में एक साइड में लगा के हमने करना होता है मुंह हाथ धोने, तो यहाँ पे जो है हम नहा सकते हैं, सावर ले सकते हैं इसके। अब वैसे तो 2-3 लोग ही जाते हैं, अगर हमने आपने एक्स्ट्रा उस पर भी हम ऊपर बेड लगा देते हैं, उसके कॉस्ट एक्स्ट्रा जो हम पैसे एक्स्ट्रा। अच्छा, अगर ऊपर चाहें तो ऊपर भी बेड लग जाएगा? हाँ ऊपर भी लग जाएगा। अच्छा, और ये जो लोगो है, ये लोगो आपने ऐसे ही लगाया है या कुछ इसका भी मतलब है? नहीं, ये हमने सिर्फ जो अलग अलग डिज़ाइन देते हैं, जैसे किसी ने हमें और ऑर्डर्स दिए, वो कोई और डिज़ाइन चाहता हो तो उसको स्टिकर उसी हिसाब से मिलेगा। अच्छा अच्छा, जैसा अच्छा, वो मांगेगा उनकी डिमांड। अच्छा, है और ये यहाँ ये जो हमारा पीछे जो किचन है। अच्छा, किचन भी है इसके अंदर? बनाई है इसमें, बहुत अच्छे। आप इसमें कुछ तो किचन के लिए उधर से गैस का पाइप है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपको गैस सिलेंडर किसी के पास छोटा होता है, किसी के पास बड़ा होता है, तो इसलिए हमने इसकी भी फैसिलिटी बाहर से कि बाहर अपना रखो, बाहर पाइप लगाओ। और इसमें वॉश बेसिन भी है ये जो, और गैस भी मिलेगा आपको है इधर। ये जो चीज़ें हमने ये बाहर से एक्सपोर्ट कराई हैं, इंडिया में ये चीज़ नहीं मिलती। अच्छा हाँ जी, और ये आप सामान रखने के लिए जो भी चीज़ें हाँ जी, ये पूरे ड्रॉअर यहाँ पे हम नाइफ अपने चाकू वगैरह रखने के लिए, हमने चमचे वगैरह, बहुत अच्छे। ये तो सर अगर इसके वेट की बात की जाए तो इसमें वेट कितना है? इसमें अराउंड 650 किलो के अराउंड इसमें वेट है। अच्छा अच्छा, तो मतलब इससे जो है कौन कौन सी जो गाड़ियां हैं हमारी वो उसके साथ खींचा जा सकता है? मिनी एसयूवी, थार होगी, ब्रेजा वगैरह हो गई। अच्छा हाँ, ये सब इन्हें खींच ले जाएगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हम इसको पंजाब से यहाँ तक अराउंड 700 किलोमीटर का सफर है, इसको थार के पीछे लेके आए तो कोई झटका नहीं, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक चीज़ अभी, मैं जैसे आपने कहा झटका, हाँ जी, तो जैसे कि मान ली ये सामान हमारा रखा हुआ है, हाँ जी, और ये हमारी गाड़ी के पीछे है, तो क्या एज इट इज ऐसे ही रख के लाए हैं आप, ये कहीं गिरना गुरना तो नहीं? ये हमने अलग से लेकर आए हैं इसको, आप स्टोक करके रख सकते हो अंदर, क्योंकि आगे पीछे खाली रहना है, आप जाके कहीं पे बैठ कर ही जाएंगे, अगर जाएंगे गाड़ी में जाएंगे या फिर पीछे दो जाने बैठेंगे या तीन जाने जितने भी होंगे, बिल्कुल तो आप पीछे आराम से सामान रख सकते हो, बहुत स्पेस है अंदर। हाँ, और जब हमें यूज करना हो तो हम इसे सजा के रख सकते हैं। जी, तो जो हमारे दर्शक भाई हैं उनसे और आप अपने इस ट्रेलर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस आप इसको हमारे यहाँ अभी हम 18-19 तारीख तक हैं, आप देखो बहुत लोग आकर देख के गए हैं हमारे पास, तो हमने अपनी तरफ से जो कुछ हमको लगता था कि इसमें जो जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो हमने दी हैं। और हम इसको USA वगैरह में एक्सपोर्ट करते हैं, अदर कंट्रीज़ में। अच्छा, इंडिया अच्छा, में हमारा ये पहला प्रोडक्ट है जो हमने लॉन्च कर रहे हैं। और हमारी बुलस्टन जो हमारी कंपनी का नाम है, हम हॉर्स ट्रेलर्स भी बनाते हैं, बाइक ट्रेलर्स भी बनाते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो हम क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा हम ध्यान रखते हैं कि हमारी
रेट ऊपर नीचे नहीं देखते, हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारी जो क्वालिटी है वो प्रोडक्ट की बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, इसलिए हम सामान वगैरह भी बाहर से जो मेन यहाँ पे नहीं मिलता हम बाहर से एक्सपोर्ट कराते हैं। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसकी बॉडी जो है बहुत ही मोटाई में है, तो इसका क्या कारण है? बीच में कुछ गैप के अंदर इसमें डाला हुआ है? ये चीज़ आपको हमारे एहसान जी बताएंगे। जैसे बाहर की गर्मी या सर्दी अंदर ना जाए। वैसे भी आपने देखा होगा जो ट्रेलर्स वगैरह कंपनी आप देसी जुगाड़ से बनाते हो तो थप थप आवाज आती है। हाँ, वो आवाज आती है बिल्कुल, तो वो बिल्कुल उसको ध्यान रखते हुए ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। कुल मिला के ये है की जैसे हमारे जैसे लोग हैं नमन जी, हाँ जी, घुमक्कड़ कहा जाए बिल्कुल, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, मतलब जितने यूट्यूबर हैं रात दिन चलते ही रहते हैं चलते ही रहते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही अच्छा। वो आप आइस बॉक्स अलग से लेके रख लो, वो भी मेरे ख्याल इसमें होगा बीच में। इसका है अपना आइस बॉक्स आएगा, ठीक है, आप वो आइस बॉक्स अलग से भी ले सकते हो। आप हाँ वो अलग से प्रोवाइड, आप ये जो हमारा है ये तो है ही, आपको इसके अलग भी कुछ चाहिए इसमें और फैसिलिटीज। हाँ, अपने हिसाब से कोई अगर कराना चाहे उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होंगी वो हम आपको देंगे जो भी आपको चाहिए। तो नमन जी इसकी कॉस्ट जो रखी हुई है वो क्या रखी हुई है आपने? इसकी कॉस्ट हमने 5 लाख रुपए लगी। अच्छा, हाँ जी, अगर कोई पहले से ऑर्डर दे के कुछ इसमें चेंज कराएगा तो उसका जो है अलग से लगेगा जो भी खर्चा होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो नमन जी आपने अपने इस ट्रेलर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और मेरे दर्शकों को दिखाया, और वाकई ये इंडिया में घूमने वाले लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है, क्योंकि बड़े बड़े महंगे रूम मिलते हैं, बड़ी दिक्कत होती है साफ सफाई हाइजीन। बिल्कुल जी, आजकल जैसे हम कोविड के टाइम में देख ही सकते हैं आजकल बिल्कुल होटल वगैरह ज़्यादा सेफ नहीं है, तो उस हिसाब से ये चीज़ बहुत बहुत एक अच्छी, कहीं भी खड़े करो खुले खाओ नंगे ना हो। बिल्कुल, तो ये आपका जो है बहुत ही अच्छा लगा, आपने ये सब जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।